देखिए बेटा चलते हैं। सबसे पहला बेटा रेशो, रेशो क्या होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा अनुपात, जिसको हम क्या कहते हैं अनुपात। प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा जिसको हम कहते हैं समान अनुपात, समान अनुपात। डिफरेंस क्या होता है भावना सुमन, गुड इवनिंग बेटा। फर्क क्या होता है इधर देखो सभी बच्चे, जो रेशो होता है बेटा इस तरह से दो डॉट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं रेशो, और इस तरह से बेटा जो चार डॉट होते हैं उसको हम कहते हैं समान अनुपात। मनप्रीत कौर, इधर देखिए बेटा सभी बच्चे, ये आपका अनुपात है दो डॉट बेटा, अगर ये डॉट बेटा चार हो जाते हैं इसको हम कहते हैं समान अनुपात। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बेटा आता ही आता है, कई चीजें सिखाकर जाएगा, इधर ध्यान रखना सभी बच्चे बेटा। ये अनुपात का साइन है और ये बेटा समान अनुपात का साइन है। अब आपसे कोई पूछे अनुपात क्या होता है बेटा, अनुपात अगर कोई आपसे पूछे कि डिफाइन रेशो, कि रेशो क्या होता है, लवीश और श्रीचंद्रा प्रियंका गुड इवनिंग बेटा, रेशो क्या होता है बेटा जब हम दो संख्याओं की क्या करते हैं बेटा, जब हम दो संख्याओं की तुलना करते हैं, इधर ध्यान देना सभी बच्चे बेटा, जब हम दो संख्याओं की तुलना करते हैं तो बेटा उसको बोलते हैं रेशो, उसको हम क्या कहेंगे अनुपात कहेंगे। और समान अनुपात किसको कहेंगे बेटा, जब हम दो अनुपात की तुलना करेंगे बेटा, दो अनुपात की तुलना करेंगे तो उसको कहते हैं समान अनुपात। सुनीता गुड इवनिंग बेटा, समझ में आ गया ना सभी बच्चों को बेटा कि रेशो अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है जब दो संख्याओं की तुलना करनी हो बेटा, जब हम दो संख्याओं की तुलना करेंगे तो अनुपात से करेंगे, और जब बेटा दो अनुपातों की तुलना करेंगे तो हम उसको कहां से करेंगे समान अनुपात से करेंगे। अमित कुमार गुड इवनिंग बेटा, तो उसको कहां से करेंगे समान अनुपात से करेंगे। बूटा सिंह गुड इवनिंग बेटा, सभी बच्चे सीखिए, पता लग गया ना सभी बच्चों को बेटा अनुपात और समान अनुपात क्या होता है, ये इस चैप्टर का नाम था बेटा और नाम को मैंने डिफाइन किया, तो ये था पहला पॉइंट आज का बेटा। तो चलो बेटा बढ़ते हैं आगे चलते हैं, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखें, आज का पहला क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से दे बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है इधर देखे सभी बच्चे बेटा, क्वेश्चन है 8:x और ये क्या बेटा समान अनुपात है 48:36। सभी बच्चे इधर ध्यान देना बेटा, मोनिका गुरप्रीत सिंह और ललिता मिस्टर वर्मा मैथ मस्ती, वेरी गुड गुड इवनिंग बेटा, इधर देखे सभी बच्चे बेटा। अब इधर देखो बेटा ये बीच में जो आपको साइन दिख रहा है बेटा ये वाला देखो, ये साइन बेटा समान अनुपात का है, किसका है बेटा ये साइन समान अनुपात का है, सागर वेरी गुड इवनिंग बेटा, इधर देखो ये समान अनुपात का है, तो जब भी बेटा समान अनुपात का साइन आ जाए तो क्या करोगे बेटा, देखो बाहर वाले की मल्टीप्लाई बेटा बाहर वाले से करोगे, बाहर वाले की मल्टीप्लाई बेटा बाहर वाले से करोगे, यानी कि बाहर वाले की मल्टीप्लाई बेटा बाहर वाले से करोगे, बराबर में अंदर वाले की मल्टीप्लाई बेटा अंदर वाले से करोगे। ये तरीका याद रख लेना बेटा, जब समान अनुपात का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये फार्मूला याद कर लेना बेटा, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर बेटा। संदीप कुमार, प्रियंका सिंह, अन्नू, दीपाली अरोड़ा, इधर देखिए बेटा एक्सटर्नल की मल्टीप्लाई एक्सटर्नल से करोगे, इंटरनल की इंटरनल से करोगे, जब ये साइन बेटा प्रोपोर्शन का आ जाए तो करो सभी बच्चे, 8 की मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा
36 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे बेटा, याद रखना, सिर्फ आपने दिखाना है मल्टीप्लाई करके, नहीं तो टाइम लग जाएगा। बराबर में अंदर वाले की अंदर वाले से एक्स की किससे करोगे, 48 से। अब बेटा हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सभी बच्चे इधर देखेंगे, हमें एक्स का मान चाहिए। ये 48 बेटा उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा बेटा। सुनील, काजल, कंबोज, गुड इवनिंग बेटा सभी को। काटिए बेटा, 8 6 48 36 तो बेटा एक्स का मान क्या आएगा, 6 आएगा। और आपका आंसर क्या आएगा बेटा, ए आ जाएगा। सुमन, वेरी वेरी गुड बेटा, आंसर इसका 6 आएगा। जिसको भी बेटा समझ में आ गया, इसको आप कहोगे समान अनुपात वाला क्वेश्चन बेटा। जिसको समझ में आ गया कमेंट करके बेटा साथ की साथ बताता रहे कि सर समझ में आ गया। अगर बेटा समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, इसको कहेंगे समान अनुपात वाला क्वेश्चन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए सभी बच्चे बेटा, सेम क्वेश्चन है, बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा। सेम क्वेश्चन है बेटा, एक्स अनुपात 81, फिर बेटा समान अनुपात है 4:x। तो बेटा एक्स का मान बताना है, एक्स का मान बताओगे सभी बच्चे। समान अनुपात का क्वेश्चन है बेटा, समान अनुपात का। विवेक, शारदा, कृष्णा, मनप्रीत कौर, पिंकी, संजू, सुनीता, श्रीचंद, मिस्टर वर्मा, वेरी गुड बेटा सभी को। सभी बच्चे इसका आंसर बताएं बेटा, सेम क्वेश्चन है, सेम डिक्टो क्वेश्चन है बेटा, ये सेम यही क्वेश्चन है बेटा। अभी इसको भी आप समान अनुपात का क्वेश्चन कहोगे बेटा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे अभी मैंने आपको बताया इसको बोलेंगे समान अनुपात वाला क्वेश्चन बेटा। सभी बच्चे 18 18 बता रहे हैं, एक ही साइड जा रहे हैं। बताएं बेटा क्या अभी फार्मूला बताया, बताएं बेटा बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, इधर सीख लो बेटा, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर से बेटा, रूल है ये, इस समान अनुपात का रूल है बेटा। बराबर अंदर की अंदर 81 की किससे करोगे बेटा, 4 से। समझ में आ गया ना बेटा समान अनुपात का रूल क्या होता है। अब देखो बेटा इधर ध्यान दो, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। और इधर बेटा 81 और मल्टीप्लाई में क्या है, 4। हमें यहां पर एक्स का मान चाहिए, तो स्क्वायर को उधर ले आकर क्या कर दोगे बेटा, अंडरूट कर दोगे। मल्टीप्लाई कभी मत करना, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9, और 4 का क्या होता है, 2। तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 18। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों ने 18 आंसर दिया है बेटा, 18 आंसर आएगा, 18 18 आंसर आएगा बेटा, 18 बेटा। जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे बेटा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बेटा वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दें बेटा। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें बेटा, लाइक कर दो सभी बच्चे बेटा। बताइए बेटा आगे वाला क्वेश्चन, सभी बच्चे बेटा क्वेश्चन निकालें आगे वाला, उसके बाद मैं करवाता हूं। बताइए बेटा सभी बच्चे बताएं क्वेश्चन को, एक बार बेटा एक्सप्लेन कर देता हूं, सभी बच्चे इधर देखेंगे। क्वेश्चन क्या बेटा, ए और बी,
क्वेश्चन में बेटा ए और बी का अनुपात दे रखा है 3:5। उसके बाद बी और सी का अनुपात दे रखा है 2:3। और आपने बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। भारत गुड इवनिंग बेटा, इधर देखें सभी बच्चे बेटा, क्वेश्चन को सीख लीजिए सभी बच्चे बेटा, इधर ध्यान दीजिए। क्या बेटा इधर देखो, ए और बी का रेशो दे रखा है बेटा। इधर देखो सभी बच्चे, यहां पर ए और बी का रेशो है, और यहां पर देखो बेटा बी और सी का रेशो है। इधर देखे सभी बच्चे बेटा, हमने ए बी और सी का बताना है बेटा। अब देखो आज का बेटा पहला स्टेप देखो इधर बेटा, सभी बच्चे इधर ध्यान दे बेटा, कॉमन रेशो। इधर देखे सभी बेटा, बेटा कॉमन रेशो ये क्या होता है बेटा? कॉमन रेशो क्या होता है? जिसको आप कहते हो सांझा अनुपात, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? सांझा अनुपात। तो पहला टॉपिक समझे सभी बच्चे बेटा, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे बेटा, कॉमन रेशो और सांझा अनुपात क्या चीज होती है? इधर ध्यान देना सभी बच्चे बेटा, ये कॉमन रेशो कब निकाला जाता है? जब बेटा देखो किसी भी व्यक्ति का दो बार बेटा रेशो आ जाए। इधर देखो बी ए के साथ भी है, ये जो बी है ए के साथ भी है, और बी बेटा सी के साथ भी है। तो यहां पर बी डबल रोल कर रहा है, यानी दोनों पार्टनरशिप के अंदर बी है। तो बेटा इस केस में हम क्या करेंगे? कॉमन रेशो निकालेंगे। समझ में आ गया बेटा? कॉमन रेशो कब निकलेगा? कॉमन रेशो तब निकलेगा जब कोई भी पार्टनर बेटा दो बार रोल अदा कर रहा होगा, डबल रोल। देखिए बी ए के साथ है और बी सी के साथ है। अब सीखो बेटा कॉमन रेशो कैसे निकाला जाता है। जो नए बच्चे हैं बेटा सीखिए कॉमन रेशो कैसे निकलेगा। इधर ध्यान देना सभी बच्चे बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, जितने भी पर्सन है उनका नाम लिख लो बेटा। जितने भी है, ए है बी है और सी है, तीन पर्सन है बेटा। तो इस तरह से लिख लो ए रेशो बी रेशो सी। एक को एक बारी लिखना, कॉमन का मीनिंग क्या होता है बेटा? एक बारी सांझा। इस तरह से लिख लोगे, चार जने होते डी भी होता तो चार का नाम लिख देते बेटा। समझ में आ गया? अब क्या करो बेटा, देखो ये आपका पहला स्टेप है बेटा, ये वाला पहला स्टेप है और ये वाला दूसरा स्टेप है बेटा। दूसरा, पहले पहला लिखो, ए के नीचे 3 लगा दो, बी के नीचे 5 लगा दो बेटा। यहां पर बेटा क्या करना है, सी को खाली छोड़ दो बेटा, क्योंकि देखो इस पहले स्टेप में सी नहीं है, तो सी को खाली छोड़ दिया। ये लो बेटा दूसरा स्टेप, बी के नीचे बी लगा दो, सी के नीचे सी लगा दो, और यहां पर बेटा ये लो ए को खाली छोड़ दिया। कॉमन रेशो कैसे निकलता है वो सिखा रहा हूं बेटा। यहां पर ए को खाली छोड़ दिया, उसके बाद बेटा क्या करना है, अंडरलाइन कर दो यहां पर बस, क्योंकि दो ही स्टेप थे बेटा, दो ही पार्टनरशिप थी लिख ली। अब इधर देखो इस खाली स्थान को कैसे भरोगे, ये जो खाली स्थान छोटा यहां सी यहां ए, इसको कैसे भरा जाता है? इधर देखना सभी बच्चे, इसके लेफ्ट राइट देखो बेटा, इधर देखा खाली, इधर देखा 5, तो बेटा यहां 5 आ जाएगा। समझ में आया? इधर देखो बेटा, इधर कुछ नहीं, इधर यहां पर 2 आ जाएगा। अब बेटा इनकी मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट करनी है बेटा। 5 को 3 से करा 15, 5 को 2 से करा 10, और 3 को 2 से करा 6। ये बेटा आपका कॉमन रेशो आ गया, यानी 6, 10 और 15 बेटा। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा बेटा, बी ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन बेटा। जिसको भी अच्छी तरह से बेटा समझ में आ गया तो सभी बच्चे बेटा कमेंट करके बताएं।
जिसको बेटा समझ में आ गया तो कमेंट करके बेटा एक बार बता दें कि सर समझ में आ गया। तो बेटा ऑप्शन आपका बी आएगा, बी। वेरी गुड बेटा, बी आंसर आएगा इसका, बी। जिसको भी बेटा अच्छी तरह से दिमाग में फिट हो गया तो बेटा बता दीजिए। वेरी गुड बेटा, अब आपका क्वेश्चन है, ऑडियंस क्वेश्चन है बेटा, आप खुद करके दिखाओगे। अब क्वेश्चन बेटा खुद करोगे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं सभी बच्चे बेटा, क्वेश्चन लिख रहा हूं कि बेटा ए और बी, ए और बी का रेशो बेटा 3:2 है, करिए बेटा सभी बच्चे, और बी और सी का रेशो बेटा 4:5 है। तो बेटा आपने ए अनुपात, बी अनुपात, सी बताना है बेटा। मैंने बेटा सेम क्वेश्चन पूछा है, सेम। सभी बच्चे बेटा जल्दी आंसर दें, जितने भी बेटा लाइव है सभी बच्चे बेटा इसका आंसर बताएं। सभी बच्चे बेटा देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। ये बेटा इसको छोड़िए, ये क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए बेटा। मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछा बेटा आपके लिए, तो सभी बच्चे बेटा रिप्लाई करें जल्दी। सभी बच्चे बेटा इसका आंसर दें, क्या आएगा। 12:8:10, 13:8:10, 12:8:10, सभी बच्चे बेटा आंसर बताएं। 10:8:12, 12:8:10, 6:4:5, 13:8:10, बताएं बेटा क्या आएगा इसका। बीच में कॉमन वैल्यू बेटा करवाएंगे, अगर बीच में कॉमन आता है टेंशन मत लो बेटा। बेटा मैं जानता हूं आप क्या पूछ रहे हो, आप कह रहे हो बीच में कॉमन आ जाए तो बेटा वो सीरीज बदल देंगे बेटा। अब जैसे एबीसी लिख रहे हैं बेटा, सीरीज बदल देंगे उसकी, करवाएंगे बेटा, शांति रखो। अभी क्लास स्टार्ट हुई है, आज पहला ही लेक्चर है बेटा अभी। चलिए बेटा इधर देख लिए, जिसने नहीं सीखा बेटा आंसर मैच करो सभी बच्चे, और बताना किसका सही है बेटा। मैं क्वेश्चन का बेटा आंसर निकालने जा रहा हूं। इधर सभी बच्चे बेटा क्या करोगे, सबसे पहले इधर देखो बेटा, जितने पर्सन है नाम लिख लो, ए है, बी है, सी है, ये लो बेटा 3 जने हैं, ए बी और सी तीनों का नाम लिख लिया बेटा। पहला क्या है 3, ये 2, और सी बेटा खाली छोड़ दिया। दूसरा लो बी 4, सी 5, ये लो बेटा ए को खाली छोड़ दिया। तो खाली को कैसे भरोगे बेटा, अभी बताया मैंने, इसके लेफ्ट राइट देखो, यहां 2 आ जाएगा और यहां बेटा 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, यहां पर 10 आया, यहां पर 8 आया, यहां पर बेटा 12 आया। अब इधर देखो सभी बच्चे बेटा, अगर ये कॉमन कटता है, अगर ये बेटा कॉमन कटता है तो काटना है आपने बेटा। रेशो का मीनिंग क्या होता बेटा, छोटे से छोटा रूप। अनुपात किसको कहते हैं, छोटे से छोटा रूप बेटा। तो 12 का हाफ क्या हो जाएगा 6, 8 का 4 और 10 का 5 बेटा, 6, 4, 5 आंसर आएगा बेटा। जिसका भी बेटा 6, 4, 5 आया है, 6, 4, 5 आया है बेटा, रिप्लाई कर दो सभी बच्चे बेटा, सभी बच्चे बेटा रिप्लाई कर दो, 6, 4, 5 आया है तो बेटा 6, 4, 5 आंसर आएगा बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन बताइए सभी बच्चे, आगे क्वेश्चन आ चुका है बेटा। सभी बच्चे इधर देखिए, सभी बच्चे बेटा क्या करना है आपको, x और y का बेटा अनुपात दे रखा है 2:1 बेटा, और आपने क्या करना है बेटा, x - y² अनुपात x² + y²
इसका बेटा अपने आंसर बताना है, इसका अनुपात बताना है बेटा, इसका अनुपात बताओगे बेटा, सभी बच्चे बेटा इसका अनुपात बताओगे। तो इधर देखो सभी बच्चे बेटा, इधर ध्यान दो, इधर सीख लो बेटा, ये x रेशो y दे रखा है, इसका मीन है बेटा x का मान 2 है और y का मान बेटा 1 है। इधर सीख लो, यहां पर x का मान 2 है बेटा और y का 1 है बेटा, तो यहां पर पुट कर दो बेटा, x की जगह बेटा क्या करोगे, 2 पुट करोगे, y की जगह 1, यहां पर बेटा स्केयर कर लो, यहां पर x स्केयर माइनस y स्केयर है, यहां पर x स्केयर माइनस y स्केयर रेशो x स्केयर प्लस y स्केयर बेटा, करो सभी बच्चे बेटा, देखो x की जगह यहां पर 2 पुट करोगे, 2 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर अनुपात 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, 2 का स्केयर क्या होता है बेटा 4 माइनस 1 और 2 का स्केयर 4 प्लस 1 तो 3:5 बेटा, आंसर आपका 3:5 आएगा बेटा, 3:5 बेटा ऑप्शन में नहीं है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया, सुमन ने बता दिया, वेरी गुड बेटा 3:5 आएगा बेटा, कृष्णा ने बता दिया, मोनिका ने बता दिया, वेरी गुड बेटा 3:5 आएगा, लविश ने भी सही बताया है, मनप्रीत कौर वेरी गुड बेटा, काजल अन्नु विवेक यही आंसर आएगा बेटा, 3:5 आएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, बताइए सभी बच्चे बेटा आंसर बताइए सभी बच्चे बेटा क्या आएगा, सभी बच्चे बेटा शारदा सुमन विवेक अन्नु मोहित पिंकी सुमन भावना प्रियंका एग्रीवर्क्स लवप्रीत ललिता विजय रानी अमित रिधि वर्मा संदीप कुमार ललिता संतोष मिस्टर वर्मा वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सही बता रहे हो बेटा, संजू रानी अजय नागर मिस्टर वर्मा बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा, सेम क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर बताना है क्या आएगा, x और y का रेशो बेटा 3:1 दे रखा है, तो आपने बेटा x क्यूब माइनस y क्यूब अनुपात x क्यूब प्लस y क्यूब का मान बताना बेटा, सागर संजू रानी पूजा वेरी गुड बेटा, लविश कविता पिंकी बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा, यहां पर देखे बेटा x का मान 1 है, y का x का 3 और y का 1 बेटा, यहां पर पुट कर दो x की जगह 3 का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब, अनुपात है 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बेटा, 3 का क्यूब होता है बेटा 27 माइनस 1 और यहां पर 27 प्लस 1, यहां पर बेटा 26 आया और यहां पर बेटा 28 आया, इसको काटोगे तो 13:14 बेटा, आंसर 13:14 आएगा बेटा ए, आज सभी बच्चे खुद आंसर बता रहे हैं 13:14, बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया है 13:14 बेटा, 13:14 ही आएगा। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए सभी बच्चे बेटा, इसका 13:14 ही आएगा। आगे बेटा x और y का मान 2:1 दे रखा है बेटा, आपने क्या बताना है 5x² माइनस 13xy प्लस 6y का स्केयर, इसका मान बताना बेटा सभी बच्चों ने इसका मान बताना बेटा। अब बताइए सभी बच्चे, यहां पर देखिए 5 मल्टीप्लाई एक्स का, एक्स बेटा 2 है, 2 का स्केयर माइनस 13 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 6y 1 का स्केयर बेटा, यहां पर 5 मल्टीप्लाई 4
माइनस 26 प्लस 6, तो ये क्या हो गया बेटा 20 माइनस 26 6 कट के बेटा जीरो आ जाएगा, जीरो आंसर आएगा। वेरी गुड बेटा, अनु ने सबसे पहले आंसर दिया है, अनु ने सबसे पहले, अनु ने, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं बेटा, जीरो ही आएगा, जीरो जीरो आंसर ही आएगा बेटा, जीरो ही आएगा, जीरो आंसर आएगा। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं बेटा, जीरो आएगा इसका आंसर। बताएं बेटा आगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बेटा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, 3:5 5:2 कोमा, उसके बाद में है बेटा आपका 7 बताओ। तो बेटा यहां पर भी मिसिंग है 3:5, 5:2, और यहां पर बेटा आप कुछ भी ले लो, जैसे ले लेते हैं 7:1 बेटा। बताएं बेटा इधर ऑप्शन नहीं देखोगे बेटा कोई भी, मिश्र अनुपात कैसे निकाला जाता है बेटा, इधर देखो सभी बच्चे। अगला टॉपिक है बेटा मिश्र अनुपात, मिश्रा अनुपात कैसे निकाला जाता है बेटा, मिक्स्ड रेशो। सभी बच्चे बेटा इधर सुनना, सभी बच्चे बेटा ये मिश्र अनुपात कैसे निकाला जाता है, सभी बच्चे इधर सुख लो बेटा, इधर ध्यान दो सभी बच्चे, मिक्स रेशो कैसे निकलता है। देखो बेटा इधर ध्यान दो, सबसे पहले ये 3:5 है बेटा, तो आप 3:5 को बेटा क्या लिख सकते हो, 3/5, क्योंकि बेटा रेशो का मीनिंग क्या होता है, एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करना, भाग देना बेटा। तो मैं 3:5 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 3/5। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं मिश्र अनुपात निकालना बेटा, रेशो को मिक्स करना और एक रेशो बनाना। 5:2 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 5/2। ऐसे 7:1 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 7/1। यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब इनके बीच में बेटा मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। सभी बच्चे बेटा इधर सीख लो मिश्रा अनुपात कैसे निकलता है। इधर देखो सभी बच्चे बेटा, जैसे 3:5 को 3/5 लिख दिया, 5:2 को 5/2 लिख दिया, 7:1 को क्या लिख दिया बेटा, 7/1 लिख दिया। बीच में मल्टीप्लाई लगा दो। अब इधर देखो बेटा काटने का तरीका सीख लो बेटा, नहीं तो गलत कर दोगे वहां क्वेश्चन, कैसे काटा जाता है। इधर देखो बेटा, इधर ध्यान दो बेटा, आप इस फ्रैक्शन को कैसे काटोगे, फ्रैक्शन को इधर देख लो। जा तो बेटा आप उसको ऐसे काट सकते हो टेढ़ा बेटा, इसको इससे, इसको इससे, या बेटा आप ऐसे काट सकते हो, ऐसे भी टेढ़ा काट सकते हो बेटा, या आप बेटा ऐसे सीधा काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो बेटा। 3 मेथड होते हैं बिन को काटने के, समझ में आ गया बेटा। या तो ऐसे काटो बेटा टेढ़ा, या आप ऐसे काटो, और या बेटा ऊपर नीचे काटो। 3 मेथड होते हैं बिन को काटने के बेटा। तो काट दो 5 बेटा, 5 कट गया और कोई भी नहीं कट रहा बेटा, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो 21, और नीचे वाले की नीचे 2, 21/2 को क्या आंसर लिख दोगे, 21:2 बेटा। ये मिश्र अनुपात बन जाएगा। इस तरह से बेटा मिश्रित अनुपात निकाला जाता है। चलिए बेटा आप क्वेश्चन खुद करके दिखाओ सभी बच्चे बेटा, समझ में आ गया तो खुद करके दिखाओ सभी बच्चे बेटा। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन है बेटा आपका 4:3, 6:5, और उसके बाद बेटा आपका है 15:10। बताइए बेटा इसका मिश्र अनुपात क्या होगा। जिसको समझ में आ गया बेटा इसका आंसर बताओ क्या आएगा।
जिसको समझ में आ गया बेटा आंसर बताओ इसका क्या आएगा। सभी बच्चे सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर देगा। बारह रेशो पांच अन्नू ने दिया है, संतोष 21:2। बेटा बताइए सभी बच्चे इसका मिश्र अनुपात क्या होगा। बेटा इसका बताओ बेटा मिश्र अनुपात क्या होगा, बताइए बेटा सभी इसका मिश्र अनुपात क्या निकलेगा, बताएं बेटा सभी बच्चे। बताइए बेटा क्या आएगा इसका मिश्र अनुपात, बताएं सभी बच्चे बेटा क्या आएगा। मिश्र अनुपात का टॉपिक चल रहा बेटा, इधर देखो सभी बच्चे सीख लो जिसने नहीं सीखा बेटा अभी तक। इस 4:3 को बेटा क्या लिखोगे, 4/3 लिखोगे। 6:5 को क्या लिखोगे बेटा, 6/5 लिखोगे। 15:10 को क्या लिखोगे बेटा, 15/10 लिखोगे। और बीच में बेटा क्या लगा दोगे, मल्टीप्लाई। अब बेटा इसको काटना है, देखिए कैसे काटोगे सभी बच्चे बेटा। इधर देखो 3 और 6 को काट दिया बेटा 2। उसके बाद देखो बेटा 2 काट दिया, 2 5 10 बेटा, ये कट गया 5 3 15 बेटा, ऊपर बच गया 4 3 12 और नीचे बेटा 5। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 12:5 बेटा। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, 12:5 ही आएगा बेटा, 12:5 आएगा बेटा। वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, बताएं बेटा अगला क्वेश्चन आ चुका है। सभी बच्चों ने बताना बेटा 2:3 और 3:4, उसके बाद में बेटा 2:3 3:4 और यहां पर लिख देते हैं बेटा 5:2। तो आपने बेटा बड़ा अनुपात बताना है, इसमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा बेटा, बड़ा अनुपात बताओगे बेटा। यहां पर 1 लिख लो बेटा, आप यहां पर आप 1 लिख लो बेटा, 1। बताएं सभी बच्चे बेटा इसमें से बड़ा अनुपात कौन सा है, बड़ा अनुपात बताना बेटा, बड़ा बड़ा बताओ बेटा, बड़ा बताओ, दोनों ही बता दो बेटा, बड़ा भी बता दो और छोटा भी बता दो बेटा, दोनों बता दो सभी बच्चे बेटा, बड़ा और छोटा दोनों बताओ, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा बेटा, बड़ा और छोटा। बड़ा और छोटा दोनों बताना बेटा, आपने दोनों बताने हैं, दोनों बताओगे बेटा। इधर देखो बेटा सभी बच्चे इधर ध्यान दो बेटा, टॉपिक सीख लो बेटा, टॉपिक सीख लो। इधर देखो बेटा इस अनुपात को बड़ा छोटा कैसे बताते हैं बेटा, इधर देखो अनुपात को बड़ा और छोटा कैसे बताते हैं बेटा, इधर सीख लो सभी बच्चे, सभी बच्चे बेटा इधर सीखो, एक मिनट के लिए बेटा चुप हो जाओ। इधर देखो सभी बच्चे बेटा अनुपात को बड़ा छोटा कैसे बताया जाता है। सबसे पहले तो बेटा क्या करो आप, जैसे 2:3 है इसको लिख लो बेटा 2/3, ये 3:4 है इसको लिख लो बेटा 3/4, और ये बेटा 5:1 है इसको लिख लो बेटा 5/1। इधर देखो सभी बच्चे सीख लो बेटा अनुपात को बड़ा छोटा कैसे बताओगे, इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा।
सबसे पहले आपने क्या करना बेटा, इधर देखो, अगर आपने छोटा बताना बेटा, अगर आपने छोटा बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना बेटा, इधर देखो, तो आप बेटा बड़ों को, जो बड़ा नंबर होगा उसको बेटा एक एक करके काटते जाओगे। देखो बेटा कैसे काटूंगा, इधर देखो सभी बच्चे बेटा, सबसे पहले इन दोनों को ले लो बेटा, दोनों को, इन दोनों में देखो बेटा छोटा रखना, हमने छोटा आंसर बता रहा हूं कैसे निकलता है। तो बेटा इनमें से छोटा रखूंगा, बड़ों को काट दोगे, देखो बेटा कैसे निकालोगे। इधर ध्यान देना बेटा सभी, ये वाला साइन यूज करना है बेटा, ये वाला साइन इधर देख लो, ये वाला, इसका मीन है इसकी इससे गुणा करके इधर लिखोगे, तो दो की चार से गुणा करी आठ, उल्टा मत कर देना बेटा नहीं तो फेल हो जाएगा सिस्टम सारा। ये साइन ध्यान रखना है, इसकी इससे गुणा करके इधर लिखना है बेटा, इधर अपनी तरफ, और इसको उल्टा बेटा उसकी उससे करके तीन की तीन से करी, क्या आ गया बेटा, नौ। अब देखो आठ बड़ा है या नौ बड़ा बेटा, हमने छोटा रखना है, तो ये दो बटे तीन छोटा है, ये बेटा बड़ा है, इसको तीन बटे चार को छोड़ दो बेटा। अब क्या रह गया बेटा, एक तो दो बटे तीन रह गया और एक पांच बटे एक रह गया बेटा। अब इन दोनों में से छोटा ढूंढो कौन सा है, वैसे ही इसकी इससे करी दो, इसकी इससे करी पंद्रह, तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा कि दो बटे तीन यानी दो रेशो तीन सबसे क्या बेटा छोटा है। सभी बच्चों को बेटा समझ में आ गया होगा कि आप छोटा कैसे बताओगे, ऐसे बेटा तरीका अप्लाई करोगे, तुक्का मत मारना बेटा, नहीं तो वहां पर जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो बेटा थोड़ा टफ होता है, वहां पर देख के पता नहीं चलेगा छोटा बड़ा कौन है। चलिए बेटा अगर समझ में आ गया तो सभी बच्चे आंसर देंगे बेटा। एक क्वेश्चन आपके लिए पूछ रहा हूं सभी बच्चे, बेटा इधर ध्यान दो, तीन अनुपात दो, पांच अनुपात चार और सात अनुपात छह, बेटा आपने सबसे छोटा बताना है, बताइए बेटा सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा बताओगे बेटा कौन सा होगा। सभी बच्चे बेटा सबसे छोटा बताओगे, छोटा बताओगे बेटा कौन सा होगा सभी बच्चे। अभी बेटा तरीका बताया है, तरीका मत छोड़ना बेटा कोई भी बच्चा, सबसे छोटा बताना बेटा कौन सा होगा, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा होगा बेटा सभी बच्चे बताएं। पहला आंसर आया है मोनिका की तरफ से, अन्नू ने बताया सात, छोटा बताना बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर बताना बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा बताना बेटा छोटा कौन सा है, छोटा आंसर बताओगे बेटा। अभी बेटा ट्रिक बताई है, तरीका बताया कैसे बताओगे, एक बार फिर बताऊंगा, एक बार फिर बताऊंगा बेटा छोटा कौन सा है। सभी बच्चे बेटा सबसे छोटा बताओगे कौन सा होगा, बेटा अलग अलग आंसर दे रहे हो, अलग अलग आंसर दे रहे हो सभी बच्चे, बेटा दोबारा सीख लो, दोबारा सीख लो, अलग अलग आंसर दे रहे हो, एक बार और सिखा रहा हूं बेटा, इधर देख लो सभी बच्चे, लास्ट टाइम समझा रहा हूं बेटा, इधर देखो सभी बच्चे, इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा, इधर देखो बेटा कैसे बताओगे, सीख लो बेटा एक बार और, इधर देखो सभी बच्चे, आपने क्या करना है, ये तीन रेशो दो क्या लिख दोगे बेटा, तीन बटे दो, पांच रेशो को पांच बटे चार, इसको क्या लिख दोगे बेटा सात बटे छह, इतना लिखना आ गया बेटा। अब इधर देखो, अगर बेटा आपने छोटा बताना है
तो बेटा जो बड़ा होगा ना, जो बड़ा होगा उसको एक एक करके काट दोगे बेटा। इधर देखो बेटा कैसे काटोगे, सभी बच्चे बेटा इधर ध्यान देना, इधर देख लो एक बार और। क्या करोगे, सबसे पहले एक टाइम में बेटा दो लेने हैं, दो ही लोगे, एक टाइम में दो जने ले लो बेटा, दो रेशो, उसमें से हमें छोटा रखना, बड़ों को काटेंगे। देखो बेटा कैसे कटेगा, इधर ध्यान दो, ये साइन याद रखना बेटा, ये साइन और ये साइन बेटा, इसका मीनिंग सुनो, इसकी इससे गुणा करके इधर लिखोगे, 3 की 4 से करी 12 और इसकी इससे करके 5 की 2 से करी 10। तो बताओ बेटा 10 बड़ा है या 12 बड़ा है बेटा, तो यहां पर 12 बड़ा है बेटा, 12 हमने छोटा रखना, छोटा आंसर बताना है, तो हम 10 के ऊपर वाला छोटा कौन सा रख लेंगे, 5/4 ये रखेंगे बेटा, इस 3/2 को छोड़ देंगे क्योंकि छोटा बताना है, तो बेटा बड़ों को रख लिया। अब ये लास्ट वाले को इसके साथ लो, 7/6। अब इन दोनों में से बेटा छोटा पहचानना कौन सा है, वही काम, 5 की 6 से करोगे 5×6=30 और 7 की 4 से करोगे 28। तो बेटा छोटा कौन सा है, 7/6। समझ में आ गया होगा बेटा, अब तो सभी के दिमाग में फिट हो गया होगा बेटा। तो 7, अब देखो बेटा पलट गए आप, 7/6 आएगा बेटा, 7/6 आंसर आएगा बेटा, सबसे छोटा। बेटा समझ में आ गया ना सभी के बेटा, अब गलती नहीं करोगे कोई भी बच्चा बेटा। बताएं बेटा सभी बच्चे, बताएं सभी बच्चे बेटा, आंसर बताएं इधर बेटा, सभी बच्चे बेटा इसका बताएं, क्वेश्चन आ गया बेटा, इधर ध्यान देना सभी बच्चे बेटा। बताएं बेटा सभी बच्चे बेटा इसका आंसर बताएं, सभी बच्चे क्या दिया, इधर देखो बेटा, a^b^c दे रखा बेटा, 2, 3 और 4 बेटा, और आपने आंसर किसका बताना है, a^b^b^c और c^a बेटा, ये अनुपात बताना बेटा आपने, इधर ध्यान दो सभी बच्चे, ये बेटा अनुपात बताओगे आप सभी बच्चे। बताएं बेटा इसका आंसर क्या आएगा सभी बच्चे, a का मान दे रखा है, a की वैल्यू 2, b की 3 और c की 4 बेटा, आपने a^b^b^c^c^a का मान बताना बेटा सभी बच्चों ने। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा बेटा इसका आंसर क्या आएगा, मान रख लो बेटा, इधर देखो a की जगह 2 रख दो, b की जगह बेटा 3 रख दो, b की जगह बेटा 3 और c की जगह बेटा 4, c की जगह बेटा 4 और a की जगह बेटा 2, इस तरह रखना बेटा। अब इसका बेटा एलसीएम ले लो, 3, 4 और 8 का बेटा 12 आ जाएगा, क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा 12, तो क्या आएगा 4, 8 और यहां पर 9 और यहां पर क्या आएगा बेटा 8, 9 और 24, क्या आ जाएगा बेटा 8, 9 और 24 बेटा, 8, 9 और 24 आ जाएगा बेटा, इधर 12 कैसे आएगा बेटा, ध्यान से देखो, 8, 9 और 24 बेटा, 8, 9 और 24 आएगा बेटा। सभी बच्चे इधर देखो बेटा, 8, 9 और 24 आएगा। आठ नौ और चौबीस आएगा बेटा।
समझ में आया बेटा कैसे आया? 8, 9 और 24 बताओ बेटा, जिसको लगा 8, 9, 24 आएगा यस करो बेटा। आठ नौ और चौबीस आएगा बेटा। बताएं बेटा आगे क्वेश्चन आ चुका है, सभी बच्चे बेटा बताएं आगे क्वेश्चन आ चुका है। बताएं बेटा क्वेश्चन है ए का 20%, ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6। ए का 20% बराबर सी का 30% बराबर सी का 1/6 बेटा। सभी बच्चे बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखना, नया क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल। सभी बच्चे बेटा ध्यान से सीखना इस क्वेश्चन को। इधर देखो बेटा सभी बच्चे, इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा। ए मैं करवा रहा हूं बेटा, इधर सीख लो। ए का मीन होता है बेटा मल्टीप्लाई, का मीन होता है मल्टीप्लाई 20, और प्रतिशत का मीन होता है बेटा 100। इधर देख लो बेटा सभी बच्चे, इधर सीख लो। ए का मीन मल्टीप्लाई 20% को हटाया, नीचे 100 लगाया बेटा। इधर देखो बेटा, इधर ध्यान दो, बराबर बी का फिर मल्टीप्लाई बेटा, उसके बाद क्या आएगा? सर पहले वाला रिपीट करो। कौन से वाला कह रहे हो बेटा रिपीट करने के लिए? बेटा करवाते हैं वही क्वेश्चन रिपीट ले आते हैं, पहले ये सीख लो बेटा, पहले बेटा ये क्वेश्चन सीख लो, फिर दोबारा वो क्वेश्चन करवाते हैं। इधर देखो बेटा सभी, ये सीख लो बेटा, उसके बाद दोबारा वही करवाते हैं। एक बार इसको देख लो बेटा, ए का मीन होता है बेटा मैथ में मल्टीप्लाई, 20% को हटाया, नीचे 100 लगाया। बी का मीन फिर मल्टीप्लाई 30/100, फिर बराबर में बेटा। इधर देखो सभी बच्चे, सी का मीन बेटा मल्टीप्लाई 1/6। अब इधर देख लो सभी बच्चे बेटा, इसको सीख लो। ये लो बेटा 20/5, 100, यहां तो बच गया बेटा 1/5, बराबर बेटा 0 से 0 कट गया, तो ये बच गया 3b/10, और बराबर में यहां c/6 बेटा। इधर सीख लो बेटा ये वाला क्वेश्चन सीख लो कैसे हुआ। अब क्या करना बेटा, इधर देखो सभी बच्चे, इधर ध्यान देना सभी बच्चे बेटा, इधर ध्यान देना सभी बच्चे बेटा। अब क्या करोगे, इधर देखो, पहले बेटा इन दोनों को लेके सोल्व करोगे, इन दोनों को बेटा। इधर ध्यान दे लो सभी बच्चे बेटा, पहले इन दोनों को और फिर बेटा दूसरे और तीसरे को सोल आउट करोगे। इधर ध्यान दे लेना सभी बच्चे, पहले पहले और दूसरे को सोल्व करोगे, फिर दूसरे और तीसरे को सोल्व करोगे बेटा। इधर ध्यान दो, जब पहले 1/5 = 3b/10 बेटा आर पार करोगे, तो 10a = 15b बेटा कट के क्या आ जाएगा 5 की टेबल पर, 2a = 3b बेटा। यहां पर ये आ गया बेटा 2a = 3b, समझ में आ गया बेटा कैसे आया। और इसको बेटा रेशो में बदलोगे
तो क्या आएगा? 3:2 आएगा बेटा। इधर ध्यान दे लो सभी बच्चे, ये कैसे हुआ सीख लो बेटा। अब इधर देखो बेटा, इन दोनों को लो, पहले और दूसरे को बेटा इधर देखो, ये क्या है 3b/10 = c/6। अब इसको आर पार करोगे तो 18b = 10c। तो इसको बेटा जब काटोगे तो ये हो जाएगा 9b = 5c। तो बेटा यहां पर b और c का रेशो 5:9 आ जाएगा बेटा, 5:9 आ जाएगा। अब बेटा आप इनका कॉमन रेशो निकाल देना बेटा, कॉमन रेशो निकाल देना बेटा, आंसर आ जाएगा। इसका कॉमन रेशो निकालोगे बेटा आंसर निकल जाएगा। सिखाया है स्टार्टिंग में कॉमन रेशो बेटा निकाल लेना सभी बच्चे, कॉमन रेशो बेटा निकाल लेना। चलिए बेटा जिस क्वेश्चन का आप बोल रहे थे दोबारा सीखो बेटा, इधर ध्यान दो, जिस क्वेश्चन के बारे में आप कह रहे थे इधर सीख लो बेटा। ए बी और सी का मान दे रखा था 2, 3 और 4 बेटा, इधर सीख लो बेटा जिस क्वेश्चन का आप बोल रहे थे। अब ए बटे बी, ए क्या बेटा 2 और बी क्या बेटा 3, बी बटे सी 3/4 और सी बटे ए बेटा 4/2। इधर सीख लो बेटा, इधर ध्यान दो। अब बेटा इसका इधर देखो एलसीएम लो सभी बच्चे बेटा, इसका एलसीएम लो सभी बच्चे बेटा, यही क्वेश्चन आप कह रहे थे दोबारा करवाओ बेटा, इधर देख लो अब सभी बच्चे, इधर देखो बेटा, इधर ध्यान दो। ये 2/3 = 3/4 = 4/2, पता चल गया बेटा कैसे आया। इधर देखो बेटा, अब एलसीएम लो बेटा, 3, 4 और 2 का क्या आएगा बेटा 12 आएगा बेटा, 12 एलसीएम आएगा बेटा 3, 4 और 2 का 12। अब देखो बेटा 3 × 12 4, 4 × 2 = 8 बेटा, इधर ध्यान दो, 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9 बेटा, इधर सीखो सभी बच्चे। अब यहां पर देखो बेटा, जब 2 को 12 से भाग दोगे बेटा क्या आएगा, इधर ध्यान दे लो बेटा, जब आप 2 को क्या करोगे बेटा 12 से डिवाइड करोगे, क्या आया बेटा 6 आया और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या आएगा 24 आएगा बेटा, यहां 24 आएगा। ठीक है बेटा 24 अब समझ में आ गया क्या? ठीक है बेटा, ये रिपीट करवा दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब इधर देखो सभी बच्चे बेटा, इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा, इधर देखो एक क्वेश्चन है बेटा सभी के करने वाला है। इधर देखो बेटा बेसिक सीखो सभी बच्चे पहले, इधर बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देना बेटा सभी बच्चे, बताएं बेटा 3a = 4b = 5c,
इधर सीख लो सभी बच्चे बेटा, यहां पर मुझे आप ए रेशो बी रेशो सी का मान निकाल के दिखाओ बेटा सभी बच्चे, ए रेशो बी रेशो सी का मान निकाल के दिखाओ बेटा सभी बच्चे, ए रेशो बी रेशो सी का मान निकाल के बताओ बेटा कौन निकालेगा सबसे पहले। तीन ए बराबर चार बी बराबर पांच सी दे रखा है बेटा, ए रेशो बी रेशो सी का मान बताएं बेटा सभी बच्चे। बताएं बेटा सबसे पहले कौन निकालेगा ए रेशो बी रेशो सी का मान बेटा। प्रियंका अनु ने बताया है 20 15 12, बताएं बेटा सभी बच्चे बताएं। सभी बच्चे बताएं बेटा 20 15 12 मंदीप 20 15 9 लविश 3 4 5 बताएं बेटा सभी बच्चे बताएं बेटा। बेटा बताएं फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा बेटा। बीस पंद्रह बारह, वेरी गुड बेटा। तीन चार पांच और बीस पंद्रह छह, ये दो आंसर आ रहे। देखो बेटा इधर सीख लो सभी बच्चे, बेटा इधर ध्यान दो, इधर देखो बेटा इधर ध्यान दे लो। आपने बताना है ए रेशो बी रेशो सी, इधर सीखो सभी बच्चे बेटा, इधर ध्यान दे लो सभी बच्चे। देखो बेटा अगर आपने ए का बताना है तो यहां पर बेटा ए को छोड़ दिया करो, ए का बताना है बेटा यहां ए को छोड़ दिया करो और बी और सी की मल्टीप्लाई कर दो बेटा, चार पांचे बीस। समझ में आया बेटा क्या करना है? अब इधर देखो बी का बताना है बेटा, बी को छोड़ दो, ए और सी की मल्टीप्लाई करो, तीन पांचे पंद्रह। इधर ध्यान दो सभी बच्चे बेटा, अगर सी का बताना है तो सी को छोड़ दो, ए और बी की गुना करो बेटा, तीन चौके बारह, तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा? बीस पंद्रह बारह आएगा बेटा, वेरी गुड बेटा, बीस पंद्रह बारह आएगा। जिसका बेटा बताना हो उसको छोड़ दिया करो, समझ में आ गया बेटा कैसे आएगा? जिसका बताना हो। एक क्वेश्चन और देखो बेटा सभी बच्चे, अब करके दिखाओ, पांच एक्स बराबर तीन वाई बराबर चार जेड बेटा, सभी बच्चे बताएं एक्स रेशो वाई रेशो जेड का मान क्या आएगा? सभी बच्चे बताएं बेटा एक्स रेशो वाई रेशो जेड का मान क्या आएगा बेटा। अभी करवाया है, अभी बेटा तरीका बताया है, सभी बच्चे बताएं एक्स रेशो वाई रेशो जेड का मान क्या आएगा बेटा। अभी क्वेश्चन करवाया बेटा, अभी बताया है तरीका। लो जी लवप्रीत ने बता दिया, अजीत ने बता दिया, वेरी गुड बेटा जल्दी बताएं, शालू ने बता दिया, वेरी गुड बेटा, अन्नू ने बता दिया, शारदा विजय रानी पिंकी शर्मा, वेरी गुड बेटा सभी सही बता रहे हो, सभी बच्चे बताएं।
पिंकी ने बता दिया, मोनिका ने, दीपाली ने बता दिया, वेरी गुड बेटा, सही बता रहे हो। संजीव शर्मा ने बता दिया, रिधि वर्मा, लविश भारत, वेरी गुड बेटा, सभी सही बता रहे हो। काजल ने, पूजा ने, विवेक, मिस्टर वर्मा, ममता, वेरी गुड बेटा, सभी का सही है, सही बता रहे हो बेटा। ममता वर्मा, ललिता, एग्री वर्क्स, वेरी गुड बेटा। पूजा, सही बताया बेटा, सभी को समझ में आ गया। लवप्रीत, वेरी गुड बेटा। देखो कैसे करोगे, एक्स का बताना बेटा, एक्स को छोड़ दो, इधर ध्यान दो बेटा। संदीप कुमार, प्रियंका सिंह, वेरी गुड बेटा। एक्स का बताना, एक्स को छोड़ दो, बाकी की गुणा कर दो वाई और जेड की, तो 12 आ गया। वाई का बताना बेटा, वाई को छोड़ दो, एक्स और जेड का बता दो, 20 आ गया। ऐसे बेटा जेड का बताना है, जेड को छोड़ दो, तो कितना आ गया बेटा, 15। तो क्या आंसर आ गया बेटा, सभी बच्चे बताएं, 12, 20 और 15 सभी का सही है बेटा। अब बताओ बेटा, इधर सुनो, अगर मैं आपसे पूछ लेता वाई और जेड का बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछ लेता वाई और जेड का बताओ बेटा, अगर मैं पूछ लेता वाई और जेड का बताओ बेटा, बताओ रेशो क्या देते। अगर बेटा मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लेता वाई और जेड का बताओ बेटा, आंसर क्या देते। वाई और जेड का पूछ लेता बेटा, क्या बताते, सभी बच्चे बताएं बेटा। बताएं बेटा, वाई और जेड का पूछा होता क्या आंसर देते। बताएं सभी बच्चे, वाई और जेड का। लो जी, रिधि वर्मा 3-4, संजीव शर्मा 4-3, वेरी गुड। दीपाली अरोड़ा 4-3, शालू शर्मा 20-15, प्रियंका, रिधि वर्मा 4-3, बीटीएस आर्मी, वेरी गुड बेटा। मोनिका 4-3, पूजा, अजीत, शारदा, मिस्टर वर्मा, अनु, ललिता, वेरी गुड बेटा। पूजा, एग्रीवस, भारत, काजल, विजय रानी, वेरी गुड बेटा। इधर देखो, अगर बेटा वाई जेड का पूछा होता तो 20 और 15 आया बेटा, लेकिन बेटा रेशो छोटे से छोटा होता है, तो आप इसको काट के बेटा 5 की टेबल पर 4 और 3 आंसर देते बेटा। बेटा 4:3 देना है विवेक, विवेक, एग्रीवर्क्स, भारत, मिस्टर वर्मा और शालू शर्मा, बेटा 4:3 आंसर देना है। रेशो का मीन होता है बेटा कॉमन नहीं रहता बाद में, रेशो बेटा कॉमन निकल के ही पैदा होता है बेटा। रेशो होता क्या बेटा, जब किसी संख्या में कॉमन चीज निकालेंगे, निकाल के फेंक देंगे, तभी तो रेशो बचता है बेटा। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखना सभी बच्चे। बताएं बेटा सभी बच्चे, इधर ध्यान दे सभी बच्चे बेटा, आपने बताना बेटा 3:2:1 इसका बेटा डुप्लीकेट रेशो बताओ बेटा, डुप्लीकेट रेशो बताना बेटा आपने, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट अनुपात बताओ बेटा, वेरी गुड बेटा, डुप्लीकेट अनुपात बताओ सभी बच्चे बेटा। बताइए बेटा सभी बच्चे, डुप्लीकेट अनुपात क्या होता है बेटा, डुप्लीकेट। बताए बेटा, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, डुप्लीकेट अनुपात क्या होता है बेटा, बताएं सभी बच्चे। लो जी, अनु ने बता दिया है, बताएं बेटा डुप्लीकेट अनुपात क्या होता है।
अनुपात का भी डुप्लीकेट होता है बेटा, कॉपी। संजीव शर्मा, दीपाली, शालू, वेरी गुड बेटा। प्रियंका सिंह, पूजा, मिस्टर वर्मा, ललिता, काजल, वेरी गुड बेटा। एग्री वर्क, सभी बच्चे सही बता रहे हैं बेटा। भारत, पिंकी, सेम आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। शारदा, सेम आंसर दे रहे हो बेटा। पूजा शर्मा, वेरी गुड बेटा। विवेक, पूजा शर्मा, देखो बेटा डुप्लीकेट रेशो क्या होता है बेटा, इधर ध्यान दो। डुप्लीकेट के अंदर बेटा क्या करोगे, रेशो का बेटा आप स्केयर कर दोगे, रेशो का बेटा स्केयर कर दोगे, डुप्लीकेट में बेटा रेशो का स्केयर कर दोगे। ललिता, पूजा, वेरी गुड बेटा। स्केयर, तीन का स्केयर नौ, दो का स्केयर चार, और बेटा एक का स्केयर एक, ये आ जाएगा बेटा डुप्लीकेट रेशो। सभी बच्चों ने बेटा सही बताया है, सभी बच्चों ने बेटा सही बताया है। डुप्लीकेट रेशो बेटा क्या होता है, डुप्लीकेट अनुपात बेटा, जो अनुपात दिया गया हो बेटा उसका स्केयर कर दिया करो वर्ग, वर्ग का मीन होता है बेटा डुप्लीकेट रेशो। समझ में आ गया बेटा डुप्लीकेट रेशो क्या होता है सभी बच्चों को बेटा, दिए गए रेशो का स्केयर करना होता है बेटा। आप बताओ बेटा, नौ चार और एक बेटा, नौ चार और एक का बेटा सब डुप्लीकेट बताओ बेटा, सब डुप्लीकेट रेशो बेटा, वो डुप्लीकेट था बेटा, ये सब डुप्लीकेट है। बताएं सभी बच्चे, नौ अनुपात चार अनुपात एक का सब डुप्लीकेट बताना बेटा, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट बताओ बेटा, सब डुप्लीकेट बताना है आपने बेटा। अनु ने बता दिया, विजय, अनु, शालू, संजीव शर्मा, भारत, पिंकी, वेरी गुड बेटा। सब डुप्लीकेट बेटा क्या होता है, उल्टा बेटा, उसका उल्टा, इधर देखो बेटा उल्टा होता है सब डुप्लीकेट में, उल्टा बेटा। बेटा सब डुप्लीकेट के अंदर आप क्या करोगे बेटा, इधर देख लो बेटा, उनका अनरूट कर दोगे, इधर देख लो बेटा, सब डुप्लीकेट के अंदर क्या करोगे बेटा, जो रेशो दिया होगा उसका वर्गमूल कर दोगे बेटा, वर्गमूल कर दोगे। तो नौ का वर्गमूल क्या होता है तीन, और चार का क्या होता है दो, एक का होता है बेटा एक। सब डुप्लीकेट में बेटा वर्गमूल करना है आपने जो रेशो दिया गया होगा। समझ में आ गया बेटा सभी को, सब डुप्लीकेट में आपने क्या करना है बेटा, वर्गमूल कर देना है। जैसे इधर देखो बेटा, वहां दिया होता पांच और तीन, इसका बेटा डुप्लीकेट बताओ। इधर देखो बेटा सभी बच्चे, अगर डुप्लीकेट पूछा होता तो बेटा इसका स्केयर कर दो, तो 25:9 आ गया बेटा, ठीक है बेटा। अगर वो कहता 25:9 का सब डुप्लीकेट बताओ, तो बेटा अगर पूछा होता सब डुप्लीकेट बताओ, तो आप क्या करते बेटा 25 और 9 का वर्गमूल कर देते बेटा, 25 का 5 और 9 का 3 बेटा। आ गया बेटा सभी को समझ में, अब तो डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट क्या होता है बेटा।
ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया होगा डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट। बेटा जिस चीज को समझ में आ गया कमेंट करके बताएं सभी बच्चे बेटा, और जिसने बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा वीडियो को जरूर लाइक करें बेटा, और जिसने बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो चैनल भी सब्सक्राइब करें बेटा सभी बच्चे।